मंदी में हर तरफ आशंका है, नौकरियों पर संकट है, डर का माहौल है, लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि डर के आगे जीत है। यही बात ई कॉमर्स सेक्टर पर भी लागू होती है। ई कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया और चेन प्ले की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ऑफलाइन सेक्टर के मुकाबले ऑनलाइन सेक्टर की ग्रोथ ज्यादा तेज है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगले 10 साल में भारत का ई कॉमर्स मार्केट 230 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। इसके मुताबिक 2028 तक 40 से 50 करोड़ दुकानदारों के ऑनलाइन होने का अनुमान है। फिलहाल भारत में 10 करोड़ ऑनलाइन दुकानदार हैं। यह आंकड़ा इस लिहाज से वाकई दिलचस्प है कि मौजूदा मंदी में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की बिक्री में काफी गिरावट आई है। इलेक्ट्रॉनिक सामानों की खरीदारी की सबसे बड़ी मंडी ई कॉमर्स को ही माना जाता है। ऐसे में अगर इस सेक्टर पर इतना बड़ा भरोसा जताया जा रहा है तो वाकई इसकी रफ्तार उम्मीद से भी कहीं ज्यादा हो सकती है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि किफायती स्मार्टफोन और इंटरनेट के इस्तेमाल में तेजी से ई कॉमर्स को फायदा पहुंचा है। अब केवल मेट्रो शहरों में ही नहीं बल्कि टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में भी ई कॉमर्स तेजी पकड़ता जा रहा है। भारत में खपत का असली दारोमदार छोटे और ग्रामीण शहरों पर है। अब अगर ई कॉमर्स सेक्टर टीयर 2 और टीयर 3 में अभी से पहुंचने लगा है तो जल्द ही छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण इलाकों में भी इसकी पहुंच बढ़ सकती है। अब ये पहुंच जितनी जल्दी बढ़ेगी उतनी तेजी से ही इस सेक्टर की ग्रोथ भी बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है।